हेलो विद्यार्थियों, आज हम बिहारी के जिन छंदों की व्याख्या को करने जा रहे हैं वह उनके पांडित्य को प्रदर्शित करती है। श्रृंगार रस से संबंधित होने के साथ साथ उनकी बहुज्ञता को प्रदर्शित करती है। भाषा की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, भावों को किस तरह से समाहित किया जाता है, छोटे से छोटे शब्दों में, ये बात हमें बिहारी के इन पद्यों से बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। हम यहाँ पहले बिहारी का पद पढ़कर देखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। बह के सब जिए की कहत ठोर कुठोर लखे न चिन ओरे चिन ओर से ए छवि छाके नेन। नायक ने नायिका को देखा है और देखने के बाद उसके सौंदर्य पर उसके नेत्र इतने ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं कि वह कौन सा स्थान उपयुक्त है कौन सा स्थान उपयुक्त नहीं है इस बात को नहीं देखकर भागते रहते हैं, अर्थात उसकी जो प्रेम भावना है वह उसके नेत्रों के माध्यम से अभिव्यक्त होती रहती है। आप जानते हैं कोई भी बात हो वह व्यक्ति के नेत्रों में सबसे पहले दिखाई देती है। हम किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, हमें उसकी निगाहों में निगाह डालकर बात करनी चाहिए ताकि हमें वह सच बोल रहा है या गलत इसका एहसास होता रहे। ये बात आपको यहाँ सीखनी है इसके माध्यम से। तो नायक अपनी स्थिति को, जो प्रेमपूर्ण स्थिति उसकी हो गई है नायिका को देखने के बाद, उसका चित्रण करते हुए कहता है बह के बहक गए हैं अर्थात मेरे वश में नहीं रहे हैं सब जिए की कहत जी अर्थात हृदय, मेरे हृदय में जो भावना है नायिका के प्रति वह सब भावना यह कह देते हैं। ठोर कुठोर लगे ने ठोर अर्थात स्थान उपयुक्त स्थान है या कुठोर अनुपयुक्त स्थान है इसे ये नहीं देखते हैं और मेरे हृदय की बात को ये नेत्र हर जगह अभिव्यक्ति दे देते हैं कि मेरे हृदय में नायिका के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया है। छिन और ए क्षण भर छिन अर्थात क्षण 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 भर ये नेत्र कुछ और प्रकार के हो जाते हैं, छिन ओर से और क्षण भर में ये कुछ और ही प्रकार से हो जाते हैं अर्थात पूर्णतः नायिका के प्रेम में डूब जाते हैं। ए छवि छाके नेत्र ए अर्थात ये छवि अर्थात सौंदर्य, छाके मतलब पान किए हुए नेत्र, ये नायिका के सौंदर्य को अपान किए हुए मेरे नेत्र कभी किस तरह के और कभी किस तरह के हो जाते हैं अर्थात नायिका की छवि ही नायिका का सौंदर्य ही इन नेत्रों में मंडराता रहता है अभिव्यक्त होता रहता है और मेरे प्रेम की भावना मुझसे छुपाए नहीं छुपती है। एक पद और हम देखते हैं अजो तर्योनो ही रहो श्रुति सेवक एक अंग नाक बाज बेसी लयो बसी मुक्तन के संग। बिहारी के लिए कहा जाता है बिहारी अन्योक्ति करने में सिद्ध थे, उन्होंने अन्योक्ति का बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया है। कान के आभूषण और नाक की बेसर नाक में धारण किए जाने वाले मोती के माध्यम से जो बेसर में लगा हुआ होता है, नाक स्वर का प्रतीक है और कान स्वर का प्रतीक नहीं है, वो सामान्य सांसारिक वस्तु का प्रतीक है। तो किस तरह से भक्त और ज्ञानी व्यक्ति में अंतर होता है इस बात को वह कान और नाक के माध्यम से, कान में पहने जाने वाले गहने और नाक में पहने जाने वाले गहने के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते हैं। वो कहते हैं अजो आज भी तर्योना तर्योनो ही रहो आज भी तर्योनो ही रहो। तर्योना कहते हैं कान के आभूषण को, कान का आभूषण आज भी कान का आभूषण ही रहा। श्रुति सेवक एक अंग एकमात्र रंग से मतलब पूर्ण निष्ठा के साथ श्रुति का कान का सेवन करने के कारण जो कर्णाभूषण था वह आज भी कर्णाभूषण ही बना रहा। नाक बास बेसर लयो परंतु जो बेसर जो छोटी धातु मानी गई है हल्की धातु मानी गई है उसने भी बसी मुक्तन के संग मोती के साथ निवास करने के कारण नाक का श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया है। आप जानते हैं हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो कहते हैं नाक कट गई है, नाक स्वर्ग का प्रतीक है। तो वो यहाँ पर दूसरा अर्थ जो इसका वास्तव में अन्योक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं वह अजो तर्योनो ही रहो श्रुति सेवक एक रंग, एक रंग एक निष्ठा से श्रुतियों का सेवन करने वाला जो वेद पाठी ब्राह्मण ही वो जो ज्ञान पर
ज्ञान के रास्ते पर चलने वाला है वह एकमात्र पूर्ण निष्ठा से श्रुतियों का वेदों का सेवन करने के बाद भी अजो आज भी तरयो ना तरा नहीं अर्थात उसका उद्धार नहीं हुआ, उसकी मुक्ति नहीं हुई। नाक बास बेसी लयो बसी मुक्तन के संग पर बेसर जैसे साधारण भक्त ने भी मुक्त हृदय व्यक्तियों के साथ अर्थात भगवान के भक्तों के साथ निवास करते हुए नाक बास अर्थात स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया। संगत का असर बहुत बड़ा होता है, हम जैसी संगत में होते हैं वैसा ही हम सीखते हैं। तो वो कहते हैं कि जो मुक्त जीवन मुक्त व्यक्ति थे उन निष्ठावान व्यक्तियों के साथ उन भगवान के भक्तों के साथ जब एक छोटा सा व्यक्ति भी इतना सा व्यक्ति भी साथ हो जाता है तो उनके गुणों को धारण करते हुए वह श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त कर लेता है। और जो श्रुतियों का वेदों का सेवन करता रहता है वह वेदों के सेवन में ही लगा रहता है और ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाता है। अन्योक्ति के माध्यम से इस बात को कवि बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर अभिव्यक्त करने में सफल हुए हैं। ब्रजभाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद।